कि नैना के बारे में मैंने जो सुना या उनके बारे में जो मैंने पढ़ा, इस तरह अगस्त के बारे में जो मैंने पढ़ा, जो कुछ सुना, उसे विश्वास नहीं होता कि इस तरह का कोई व्यक्तित्व होगा, इस तरह की शख्सियत होगी। स्वागत करें नैना जायसवाल। तो आज यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है और मैं कहती हूँ कि खुशी और गम दिन रात जैसे होते हैं, इनके बिना जिंदगी अधूरी है। हमें हर हालात में कामयाबी की बुलंदी छूना है, क्योंकि खोकर पाने का मजा और है, रोकर मुस्कुराने का मजा और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा कुछ और है। हर एक समाज की एक मर्यादा होती है, एक लकीर होती है, अगर वो पार कर दो तो समाज की अहमियत चली जाती है। ऐसा ना हो इसीलिए ऐसे सामाजिक समारोह आयोजित करते हैं हमारे समाज के दिग्गज अधिनेता लोग, और उन सबको मैं कोटि कोटि प्रणाम कहती हूं। सामाजिक कार्य करना अच्छा अनुभव है, परंतु इसमें बड़ी कीमत देनी पड़ती है। अपना समय अपने परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को अर्पण करने वाले राजीव अंकल को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूं। इन्होंने ठान ली है कि समाज के रंगमंच पर अपना किरदार इतनी शिद्दत से निभाया कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहेगी। तालियां होनी चाहिए। मैंने और मैं डंके की चोट पर कहती हूं कि समाज सेवा करना इतना आसान नहीं, साक्षात भगवान की सेवा करना है। दिल से गुरूर जाएगा तभी तो नूर आएगा, और ऐसे चेहरे जो नूर से भरे मंच पर विराजमान अतिथिगण को मैं चरण वंदन करती हूं। और मैं ये कहना चाहती हूं कि कुछ रूठे हुए लम्हे और कुछ टूटे हुए रिश्ते हर कदम पर कांच बनकर जख्म देते हैं, परंतु समाज उन्हें मरहम पट्टी लगाता है। तो ऐसे समाज में पैदा होना मैं अपना सौभाग्य समझती हूं। समाज एक अक्षर नहीं जो मिट जाए, सफर नहीं जो कट जाए, ये तो वो एहसास है जिसके लिए जीना भी गम पड़ जाए। सब दरवाजे बंद हो जाएंगे पर एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, वो है समाज का दरवाजा। इसीलिए उम्मीद हमेशा समाज से रखें, दुनिया से नहीं, क्योंकि जब हमने कहा दुखी है तो समाज ने कहा मैं दुख हरता हूं, हमने कहा अकेले हैं तो समाज ने कहा मैं साथ हूं, हमने कहा परेशान है तो समाज ने कहा संभाल लूंगा, हमने कहा उदास है तो समाज ने कहा नजर उठा के और चारों तरफ घूम कर देखो मैं आसपास हूं। तो ऐसे महान जायसवाल समाज के छत्र छाया में रहने से मैं अपने आप को गर्वित महसूस करती हूं। समाज हमें ये सिखाता है कि रिश्तों में निखार सिर्फ और सिर्फ हाथ मिलाने से नहीं बल्कि नाजुक समय और विपरीत हालातों में हाथ थाम लेने से आता है। इसीलिए मैं कहती हूं कि जब बारिश की बूंदों ने धरती को चूमा, हमने जमीन पर सितारों को बिखरते देखा। जितने सितारे सावन ने बरसाए उतने ही बार नागपुर के जायसवाल समाज और यहाँ के लोग याद आए। मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान होते हैं बहुत लोग, परंतु किसी ने मेरे माता पिता के परिश्रम को नहीं देखा। मैं कहूं तो मेरे माता पिता की सुबह हम दोनों से शुरू होती है और रात भी हम दोनों से खत्म होती है। तो ऐसे माता पिता के घर जन्म लेना मैं अपना पुनर्जन्म सुकृत मानती हूँ, और छोटी सी उम्र में
बड़े बड़े काम मैंने आसानी से किए हैं, इसका मूल कारण मेरे माता और पिता है, क्योंकि वो बचपन से बताते हैं कि नारी अबला नहीं आदिशक्ति है। और वो मुझे बताते थे कि बेटा तुम अपने आप को लड़की नहीं हमारी जिंदगी समझो, तुम हमारा गौरव हो और समाज का गौरव हो। ऐसे वो मुझे बार बार कहते थे, जिसका फल स्वरूप आज मैं आपके सामने एक वंडर गर्ल की तरह यहाँ पे आई हूँ। तो मेरे माता पिता का प्रोत्साहन ही मुझे ये सब करने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो मैं कहती हूँ कि फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलता। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, पर हजार बार प्रेम और प्रोत्साहन देने वाले माता पिता नहीं मिलते। और माँ के बारे में कहूं तो आप ध्यान से सुने, माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका उजूल है, दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, माँ की हर दुआ कबूल है, माँ को नाराज करना इंसान तेरी भूल है, माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है। मन में हो विश्वास तो हम इतिहास बदलेंगे, हम कल की बात नहीं करते, हम आज बदलेंगे। ये इरादे को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। मेरे पिता कहते हैं कि जिंदगी में हल्के लोग आते हैं और महंगा सबक देकर जाते हैं, इसीलिए मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचाए। और मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि हंसी आपकी कोई चुरा ना पाए, कभी कोई आपको रुला ना पाए, खुशियों का दीप ऐसा जले जिंदगी में कि कोई भी तूफान उसे बुझा ना पाए। और आप लोग से मैं ये विनती करती हूँ कि समाज से मांगने पर कुछ ना मिले तो नाराज मत होना, क्योंकि समाज वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। और आज ये सभा इसका उदाहरण है। तो हमारा जयसवाल समाज सहस्त्र बाहु अर्जुन का ज्ञान है, स्वाभिमान है, शेर की दहाड़ है, और अपने वाणी की मिठास अपने इतिहास और देशभक्ति के लिए जाना जाता है। तो इसी प्रेरणा से मैंने सर जमीने पाकिस्तान में हमारा तिरंगा लहराया, और इसीलिए मैं कहती हूं कि जयसवाल की बोली और बंदूक की गोली कभी वापस नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई कल्चरी जयसवाल समाज की तरह नहीं होता। मुझे लग रहा है अब बहुत शांत हो गए। मैं चाहती हूँ कि मैं इतना बोल रही हूँ जयसवाल समाज के बारे में, तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, मोर लाउडर, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि क्लैप्स, मैंने आपको बोला क्लैप करने के लिए, ताली बजाने से क्या फायदा है ये भी मैं आपको बताऊंगी। क्या आप सब लोग रेडी है सुनने के लिए? सुनाई नहीं दे रहा, आर यू रेडी? तो सुनिए, क्लैप्स आर फैट फ्री, शुगर फ्री और टैक्स फ्री, जीएसटी भी नहीं है क्लैप्स मारने के लिए। So it relieves pain and reduces blood pressure and absolutely free of cost. So please be clapping always. तो मैं ये कह रही थी कि इंसान की पहचान भले ही, मतलब उसके पहचान की शुरुआत भले ही उसके चाहने से होती होगी, परंतु उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी, विचार और समाज से होती है। और मैं आज गर्व से कहती हूँ कि मैं जयसवाल हूँ। और
आज मैं इस शुभ अवसर पर ये कहना चाहती हूँ कि आज की इतनी ये शाम सुहानी हो जाए, दुखों की बातें सारी पुरानी हो जाए, दे जाए ये दिन इतनी खुशियां आपको कि खुशी भी आपके मुस्कुराहट की दीवानी हो जाए। मैं जानती हूँ कि जिंदगी दूसरा मौका नहीं देती और अनजान को पनाह भी नहीं देती, लेकिन हमारे भूषण कुमार सर ने तो इस नागपुर में एज ए कमिश्नर कई लोगों को पहचान तो दी है और साथ ही साथ पनाह भी दी है। तो ऐसे में एक दिन इंसान आज हमारे बीच है, हम सबके लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। तो सर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मैं फाइनली बस इतना कहना चाहती हूँ कि दिन बदलेगा, वक्त बदलेगा, तख्त बदलेगा, ताज बदलेगा, जुल्म बढ़ जाता है तब हर चेहरे का नकाब बदलेगा। मत हौसला हारे हिंद के सिपाही, जिस दिन तेरा सोया हुआ इंसान जागेगा उस दिन हिंदुस्तान तो क्या पूरा जहां बदलेगा। सो फाइनली आई पे माई ग्रेटिट्यूड टू राजीव अंकल, स्पेशल थैंक्स टू राजीव अंकल एंड भूषण कुमार सर और हमारे बोरले अंकल को, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं, अगर उनको कोई क्वेश्चन है या क्वेरीज है वो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज या ट्विटर इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, पर कंडीशन ये है कि आप महाराष्ट्र कलचूरी जायसवाल समाज का नाम लिखे और हमारे राजीव अंकल का नाम लिख दे केयर ऑफ, तो मैं 100% आपको रिप्लाई करूंगी। तो फाइनली एक बार भारत माता की। बहुत शांत लग रहे हैं आप लोग, मैं चाहती हूँ कि आप जोर से बोलना चाहिए, भारत माता की। इस साइड से आ रही हो।